इधर ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में महोगनी का पौधा लगाया। इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पौधारोपण किया। सीएम ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। कि मैं रोज लगाता हूँ, आप रोज न लगाएं, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, अपने प्रियजन के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं, बेटा बेटी पत्नी माता पिता, अगर माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं, शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं, तो सहज ही एक पवित्र काम अपने हाथों से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी विकास जन कल्याण दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि शहरों के और गांव के विकास की भी जो योजनाएं बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने वाली अनेकों योजनाएं हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन चाहे वो केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते हैं, पार्षद बनते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिकाएँ बनती है, तो बेहतर ढंग से विकास के काम भी होंगे और जनता के कल्याण की योजनाओं को हम ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मिलेगा।